नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक बसंत के पहले पाठ ध्वनि का सारांश पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सबसे पहले कविता का सार, फिर कविता की व्याख्या और फिर प्रश्न उत्तर। सबसे पहले कविता का सार शुरू करते हैं। ध्वनि कविता में कवि के अंतर्मन की आवाज को दर्शाया गया है। कवि का मानना है कि मेरा अंत अभी नहीं हो सकता, क्योंकि अभी अभी तो मेरे वन रूपी जीवन में सुकुमार शिशु की तरह बसंत ऋतु का आगमन हुआ है। जिस प्रकार प्रकृति में बसंत ऋतु के आते ही चारों ओर सुंदरता छा जाती है, प्रकृति का सौंदर्य बढ़ जाता है, वैसे ही मेरे जीवन में भी अभी अभी परिवर्तन हुआ है। मैं भी नई आशा से जीवन में यश की प्राप्ति करना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं सोई हुई सुंदर कलियों को अपने हाथों के स्पर्श से सुबह के आने का संदेश देकर जगाना चाहता हूँ। कवि कहना चाहता है कि उसके जीवन में नवीन कार्य करने के अवसर प्राप्त हुए हैं, वह नवीन कार्यों की ओर अग्रसर आगे की ओर बढ़ना चाहता है। वह फूलों की उनीदी आँखों से, अलसाई आँखों से आलस्य को हटाकर उन्हें चुस्त और जागरूक करना चाहता है, अर्थात वह अपने आप को प्रत्येक कार्य के लिए सक्रिय बनाना चाहता है। अपने जीवन में भी नए प्राणों का संचार कर निराशाओं, बाधाओं, आलस्य और प्रमाद को वह दूर भगाना चाहता है। कवि का मानना है कि मेरे जीवन का अंत अभी बहुत दूर है। वह अपने अदृश्य व अनंत से भेंट करना चाहता है। वह अपने अंत से पूर्व अपने जीवन की आभा सुषमा व कर्तव्य भावना को यशस्वी बनाकर बसंत ऋतु की हरियाली के समान चारों ओर बिखेरना चाहता है। आइए अब शुरू करते हैं कविता की व्याख्या। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। मृदुल, मृदुल का अर्थ होता है कोमल। मेरा अंत का अर्थ जीवन की समाप्ति, वन जंगल, बसंत बसंत ऋतु, पात पत्ते, कोमल नाजुक गात शरीर को कहते हैं, स्वप्न सपने, कर हाथ, निद्रित सोई हुई, प्रत्युष प्रातःकाल सुबह का समय या फिर आशा, मनोहर सुंदर। तो इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि उसका मानना है कि अभी उसके जीवन का अंत नहीं होगा। अभी अभी तो उसके जीवन में सुकुमार कोमल शिशु रूपी बसंत का आगमन हुआ है। जिस प्रकार प्रकृति में बसंत के आते ही चारों ओर हरियाली छा जाती है, अपने नाजुक शरीर लिए डालियां वेकलियां सुंदर रूप में खिल जाती हैं, चारों ओर प्रकृति में कोमलता सुंदरता दिखाई देने लगती है, वैसे ही मैं भी अपने जीवन में अपने कार्यों के द्वारा चारों ओर अपना यश फैलाना चाहता हूँ। वह अपने स्वप्न भरे कोमल हाथों को अलसाई कलियों पर फेर कर उन्हें सुबह के आने का संदेश देना चाहता है। कवि के कहने का अर्थ है कि वे अपने जीवन का आलस्य, निराशा, बाधाओं व प्रमाद को दूर भगाना चाहता है, ताकि वह नए कार्यों की ओर अग्रसर हो सके, नए कार्य कर सके। अगली पंक्तियां हैं, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नए जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं,
द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। पुष्प फूल, तंद्रालस नींद से बोझिल, लालसा इच्छा, अमृत सुधा, सहर्ष खुशी से, द्वार दरवाजा, अनंत जिसका अंत ना हो। तो इन पंक्तियों में कवि फूलों की उनीनी आंखों से, नींद भरी आंखों से आलस्य को हटाकर उन्हें चुस्त दुरुस्त बनाना चाहता है। वह अपने जीवन के अमृत से उन्हें सींच कर हरा भरा करना चाहता है। कवि अपने जीवन में नव प्राणों का संचार करके नई शक्ति के साथ नए कार्य की ओर आगे बढ़ना चाहता है। वह अपने जीवन में नए कार्य करना चाहता है और सफलता भी प्राप्त करना चाहता है। उसका मानना है कि उसका अंत अभी बहुत दूर है। उसके जीवन में उसे बहुत सारे कार्य करने हैं। कवि प्रत्येक फूल से आलस्य और प्रमाद छीन कर उसे लंबे समय तक खिले हुए देखना चाहता है, ताकि वे अंतकाल तक खिलकर अपनी शोभा को बिखेरते रहें। वास्तव में कवि अपने जीवन की आभा सुषमा व कर्तव्य भावना को यशस्वी बनाकर बसंत की हरियाली की भांति चारों ओर बिखेरना चाहता है। वह अपने अदृश्य का अर्थ होता है जो दिखाई ना दे, वह अनंत जिसका कभी अंत ना हो, ऐसे प्राण से भेंट करना चाहता है और अपना अंत नहीं चाहता। वह चाहता है कि अभी वह लंबे समय तक जीवित रहे और चारों ओर अच्छा कार्य कर यश को प्राप्त करे। अब पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास से प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? कवि को ऐसा विश्वास है कि उसका अंत अभी नहीं होगा क्योंकि उसे लगता है कि उसके वन रूपी जीवन में अभी अभी बसंत आया है। जिस प्रकार बसंत के आगमन पर प्रकृति खिल उठती है, वैसे ही उसके शरीर में भी नया जोश और उमंग भरा हुआ है। वह अपने जीवन में नए नए कार्य कर उनकी आभा बसंत ऋतु की भांति चारों ओर फैलाना चाहता है और यश प्राप्त करना चाहता है। अगला प्रश्न है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन से प्रयास करता है? फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें प्रभात के होने का एहसास करवाना चाहता है, प्रभात तथा सुबह के होने का एहसास करवाना चाहता है। वह अपने हाथों के कोमल स्पर्श से उनका आलस्य व निराशा दूर करके उन्हें लंबे समय तक खिले रहने के लिए प्रेरित करता है। उसकी चाहत है कि वे फूल सदैव अपना आभा, अपना सौंदर्य इस वातावरण में, अपनी खुशबू वातावरण में बिखेरते रहें। अगला प्रश्न है, कवि पुष्पों की तंद्रा तथा आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? कवि अपने कोमल हाथों के स्पर्श से, कोमल हाथों की छुअन से पुष्पों के नींद व आलस्य को मिटाकर उन्हें प्राणवान बनाना चाहता है। ऐसा करने का उसका उद्देश्य है कि इस पृथ्वी पर कहीं भी आलस्य, निराशा वह मायूसी के निशान न बचे, कोई भी मायूस ना हो। वह हर और बसंत ऋतु की भांति हरियाली, सौंदर्य, सुख और आनंद फैलाना चाहता है। तो ये थे इस पाठ का सार, अभी मैंने बताया व्याख्या और प्रश्न उत्तर। आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। आने वाले पाठों के अपडेट्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।